नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम TIA पोर्टल को अपडेट कर सकते हैं, प्लस जो भी हमने फाइल्स बनाई हैं उसको किस तरीके से हम अपने CPU पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे हम अगर नॉर्मल तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं, प्रोजेक्ट न्यू, एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। एड डिवाइस, लेट सपोज हम कोई CPU 200 ले लेते हैं, ओके करते हैं। देन उसके बाद अगर हमें कोई एड ऑन मॉड्यूल्स लगाना है तो यहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट जो सिग्नल मॉड्यूल्स है वो नहीं आएंगे, सिर्फ कम्युनिकेशन कार्ड्स अवेलेबल है CPU के अंदर। तो जो इनबिल्ट इनपुट आउटपुट है उसी के अंदर हम अपना अपलोड डाउनलोड चेक करते हैं एड्रेसिंग करके। फर्स्ट चेक कर लेंगे कि किस एड्रेसिंग सिंटैक्स है हमारा और आईपी एड्रेस क्या है, तो सीपीयू की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, जनरल में सीपीयू का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट प्रोफिनेट पे आएंगे और इथरनेट एड्रेस, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सीमेंस का जो आईपी होता है वो 192.168.0.1 है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है इथरनेट सेट करना है। एडाप्टर सेटिंग्स में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, हम यहाँ से TCP/IP 4 लेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑप्टेन करेंगे यहाँ से 192.168.0 एंड जो लास्ट में वहाँ पे PLC पे हमें यहाँ पे 1 शो हो रहा है, इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लेट सपोज हम लिखते हैं 2, ओके, देन क्लोज कर देंगे। और एड्रेसिंग अगर हम चेक करते हैं इनपुट आउटपुट्स की, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट एड्रेस पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट है इनपुट एंड आउटपुट। तो इतना वेरिफिकेशन करने के बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट का i0.0। अब टैग नेम यहाँ पे अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या फिर हम PLC टैग्स पे जाएंगे, शो ऑल टैग्स। यहाँ पे जैसे हमें टैग 1 है तो हम यहाँ स्टार्ट लिख देते हैं, और एक हम यहाँ लेट सपोज आउटपुट है हमारे पास, लेट सपोज इसको लिख देते हैं Relay 1, डेटा टाइप दे देंगे बुलियन, और यहाँ पे हम आउटपुट देना चाहते हैं तो यहाँ से डेटा टाइप Q0.0 लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें यहाँ पे डेटा टाइप और चाहिए तो क्लिक कर लेंगे। अब यही मुझे आउटपुट अपने PLC पे चाहिए, तो अभी पे आए, अगर हम यहाँ पे Q0.1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका एड्रेस है वो आ जाएगा। इसको करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहाँ से डाउनलोड, डाउनलोड करते टाइम ध्यान रखना है यहाँ पे TCP जो टाइप ऑफ PGPC इंटरफेस है यहाँ पे प्रोफिनेट होना चाहिए, और PGPC इंटरफेस में जो आपके पास ड्राइवर अवेलेबल है, लैन ड्राइवर, जैसे हमारे सिस्टम में लैन ड्राइवर जो है वो रियलटेक का, ऐसे अगर आप लैपटॉप वगैरह में करते हैं तो उसका हो सकता है इंटेल का हो या रियलटेक का हो, वो ड्राइवर पहले चेक कर लेना है। वही ड्राइवर हमें यहाँ पे आके सिलेक्शन करना है इस ड्राइवर मेन्यू से, देन यहाँ से स्टार्ट सर्च करेंगे। जो जैसे ही सिस्टम को इस नियरेस्ट IP का कोई एड्रेस मिलता है वो यहाँ पर शो कर देगा। नेक्स्ट उसको हम लोड करेंगे, यहाँ पे नो एक्शन की जगह हम यहाँ पे स्टॉप ऑल करेंगे एंड लोड करेंगे एंड फिनिश। देन उसके बाद हम यहाँ से मॉनिटर मोड ऑपरेट करेंगे, अगर यहाँ पे सारा स्टेटस ग्रीन है दैट इज कम्प्लीटली हमारा डाउनलोड हो गया, कोई मेंटेनेंस मोड पे हमारा नहीं गया, कोई कार्ड हमारा फॉल्टी नहीं है। अगर इसको ऑपरेट करना है या तो हम किट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं इसको, या फिर अगर हमें फोर्सफुली ऑपरेट करना है तो हम यहाँ पे फोर्स टेबल पे जाएंगे, वॉच एंड फोर्स टेबल, फोर्स टेबल को ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पे हम एड्रेसिंग कर देंगे i0.0, राइट क्लिक करेंगे, फोर्स 1, यस करेंगे, और यहाँ से इसको मॉनिटर कर लेंगे। जैसे यहाँ से मॉनिटर करेंगे तो ये जो फोर्स है यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, दैट इज फोर्स लगा हुआ है सिस्टम पे, और अगर हम OB पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी इनपुट के ऊपर F लिख के आ जाएगा।
अब अगर इसको हमें यहाँ से राइट क्लिक करके स्टॉप करना है, ज़ीरो करते हैं, यस करते हैं, तो आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी फोर्स आ रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन हो तो हम यहाँ से फोर्स टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फोर्स पे स्टॉप फोर्सिंग करेंगे, तो तभी यह फोर्स हमारा यहाँ से इरेज हो सकता है। ग्रीन होने के बाद दैट इज अभी जो फोर्स लगाया था वो हमारा स्टॉप हो गया। अब नॉर्मल तरीके से हम किट से ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम यहाँ पे TIA पोर्टल में PLC कॉन्फ़िगर करके डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम पे। थैंक यू।